मेरे प्यारे बच्चों, नौजवानों, आपके लिए एक विशेष संदेश। ये याद रखिए, इस जीवन के अंदर आप किसी भी क्षेत्र में आप हैं, व्यापार में हैं, सर्विस में, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जरूरी है, मजबूत। आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूती से भरा हुआ होना चाहिए, ओजस्वी होना चाहिए। और उसके दो साथी हैं, पहला लैंग्वेज कमांड, भाषा पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। जितना आप बोल रहे हैं उतना आप सही बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं, सब निरर्थक नहीं है, सार्थक है। और दूसरा कॉन्फिडेंस का दूसरा साथी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आप जितनी देर भी बोल रहे हैं या जिससे बात कर रहे हैं या कुछ भी इंटरव्यू दे, कुछ भी कर रहे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगले ने बात पूछी तपाक से जवाब आया। इसीलिए मेरी इस बात को याद करिए, मर्दे खुदा मर्दे जिगर, आपको खुद ही मर्द बनना पड़ेगा। ये सभी बच्चों पर लागू होता है, नौजवानों पर लागू होता है। यहाँ मर्द का मतलब हिम्मत वाला आपको बनना पड़ेगा, और भगवान भी उसी का साथ देता है जो अपनी स्वयं की मदद करता है। इसीलिए आप किसी के सहारा मत ढूंढिए, आप बार बार विचलित मत होइए। आप कितना भी गहरा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप में विचलित मत होइए। कोई नई चीज की तैयारी करें, विचलित मत होना, बस इतना ध्यान करें। विचलित होने से कई बार आपकी वो अच्छी से अच्छी तैयारी भी वो आपकी रह जाती है। एकदम से ऐन मौके पर कोई ना कोई सब में गोलमोल हो जाता है, हमारे बोलने में कहीं ना कहीं अचानक हम चूक जाते हैं, और वहीं हमारा कहते हैं नेगेटिव नंबर काउंट हो जाता है। तो मेरी बात यहां पर इस चीज पर अच्छी तरह गौर कर लीजिए। ये जब होगा, जब आप कुछ पॉजिटिव बुक्स को पढ़ेंगे प्रतिदिन, उसका एक पेज आधा पेज निशान लगा लगा कर, कुछ भगवान पे विश्वास रखेंगे और ये मान के चलेंगे, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत तो कुछ हो ही नहीं रहा, और मेरे को साथ जो भी होना वो अच्छा होगा। इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा, इतना सोचना चाहिए भी। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा, उस दिन तो आपको फिर बहुत आनंद ही आनंद रहेगा। क्योंकि अधिकांश हमारा इसीलिए माइनस में चाहता जीवन, कि हम खाली सोचते रह जाते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा कैसे होगा, विचलित हो जाते हैं हम लोग। तो मैं आशा करता हूँ आप इस छोटी सी बात को बहुत गहराई से लेके चलेंगे। नमस्कार, मंगल कामनाएं।